हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग का समय अच्छा जा रहा होगा और आप लोग ज़रूर अपने ये साल आपके लिए अच्छा गया होगा। आपने बहुत कुछ फ्रूटफुल किया होगा। जो आप चाहते होंगे वो आपको मिला होगा। जहाँ आप घूमना चाहते होंगे वहाँ घूम के आए होंगे। नहीं किया है तो आपको विश करती हूँ कि आगे आने वाला 2024 आपके लिए बहुत ही शुभ हो और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए, जो आप करना चाहते हो वो आपका सिद्ध हो जाए, मतलब अच्छे से पूर्ति हो जाए आपकी विशेस की। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो जो है वो सेलर से जुड़ा हुआ है। आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मैं एक सेलर हूँ और मैं लेडीज़ आइटम्स में डील करती हूँ, जैसे ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, जूती हो गई। तो मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ कि मतलब किस तरह के आइटम्स में मैं डील करती हूँ। ये इन सब तरह के आइटम्स रहते हैं हमारे पास में। ज्वेलरी हो गई ये, और कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं काम इनमें। और जैसे ये है ना, ये दिख रहा हूँ। तो अब तो बहुत कोई बड़ा सा काम नहीं, छोटा सा काम है। बस जितना होता है उतना शिद्दत से करती हूँ उसको, कोशिश करती हूँ कि अच्छे से कर पाऊँ। मैं अभी अमेज़न पे काम करती हूँ, फ्लिपकार्ट पे काम करती हूँ। और हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बेटर व्यू आ रहा है, एक्चुअली लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है। तो कोशिश कर रही हूँ कि मायंत्रा, फ्लिपकार्ट और जैसे अजियो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी अपन कोशिश करें जाने की, कि वहाँ पे भी अपन अपना थोड़ा सा अपना काम फैलाए। ये चल रहा है दिमाग में। और मैं अकेली नहीं हूँ ये सोचने वाली, काफ़ी सेलर्स होंगे ऐसा जो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे इन प्लेटफॉर्म्स में जाए अपना काम करें। बट इन पे जो पहुँचना जो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसी सिलसिले में बात करूँगी कि किस तरह से आप इन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और बिना धोखा खाए। सबसे पहले तो आज जो मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ वो फ्रॉड जो होता है इस फील्ड में, जहाँ पे ऑनबोर्डिंग बोलते हैं इसको, प्लेटफॉर्म सेलर्स की ऑनबोर्डिंग बोलते हैं, और इसमें आपको बहुत धोखेबाज लोग मिलेंगे। मुझे भी मिले हैं। और वो कुछ भले लोग जो ऑलरेडी मायंत्रा में हैं, जिनसे मेरे थोड़ी बहुत बातचीत है, कनेक्शन है, उन लोगों ने मेरी हेल्प की और मुझे फंसने से बचा लिया सीरियसली। तो वही जो मुझे जानकारी मिली मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, ताकि आपके पैसे सेफ रहे, आपके साथ कोई धोखा ना हो, आप इधर उधर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें और आपका जो दिमाग का एक्चुअली दही ना हो। और आप सीरियसली एक्चुअली जब सेलर्स जो होते हैं, हम जैसे छोटे सेलर्स जो होते हैं वो अपना सब कुछ लगा देते हैं। ठीक, बिजनेस में लोगों का सब कुछ लगा होता है, सब पैसा लगा होता है, दिमाग लगा होता है, और वो हर पूरा दिन पूरा रात वो लोग इस चीज़ में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। और उसके बाद में जब उनका पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं गलत जगह लग जाता है, लोग फ्रॉड लोग उसको उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उनका दिमाग और ख़राब हो जाता है। वो मोस्टली क्या होता है, अगर इस फील्ड में हो आप ऑनलाइन वाले में, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। आपको लगता है कि अरे यार हो ही क्या रहा है दुनिया में, मतलब लोग किस तरह से पैसा कमाने में लगे हो, लोग किस गलत राह पे जा रहे हैं, मतलब क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था, जो मैं तो छोड़ ही देता हूँ, मुझे नहीं करना है सब। ऐसा नहीं है, सब करेंगे और सही रास्ते से करेंगे, अपने पैसे बचा के करेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे, जो भी करेंगे उसकी पूरी जानकारी लेके करेंगे। अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या, कि एक मुझे कॉल आया और वो सेव था ट्रू कॉलर में, मायंत्रा डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड से। तो आई थॉट इट्स ऑथेंटिकेट। अब उससे तो ऑथेंटिकेशन होता नहीं है, किसी और ने उसको मायंत्रा के नाम से सेव कर लिया होगा, इतनी मुझे नॉलेज है। बट एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने मायंत्रा का जो सेलर पोर्टल है उसमें खुद से जाके अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है,
कि जब भी टाइम मिलेगा, जब भी उनके सिस्टम में मेरा डेटा होना चाहिए और जब भी टाइम मिलेगा वो लोगों को उसको देखेंगे और हो सकता है अप्रूव हो जाए मेरी ये चीज़, तो मैं उसमें मैंने किया हुआ था और उसमें आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है। तो मेरे जो अकाउंट की जो प्रोग्रेस थी दैट वॉज 100%, 100% वो उसमें सब कुछ अप्रूव हो चुका था इंटरनली मायंत्रा में। तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि मतलब कोई कॉल आएगा या मेल आएगा। तो मुझे एक कॉल आया कि एक लड़की बोल रही थी और वो बोली कि आप, मैं मायंत्रा से कॉल कर रही हूँ, हमने आपकी प्रोफाइल देखी इस पे और partners.myantraseller.myantra.com से, और आप, हम उसको अप्रूव करते हैं बट एक उसका एक पॉइंट है कि आपको जो भी मेल आएगी उसकी आप 24 घंटे में आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, या तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या उसको डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी ऐसी अर्जेंसी हो तो वहाँ पे सबसे पहले मेरी राय है कि कोई भी काम जल्दी में ना करें। जाता है काम जाने दे, पर जल्दी में कोई काम करना ही नहीं है, मतलब उसको सोचे समझे जहाँ पे अर्जेंसी। ये फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि अपनी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि हम इनके दिमाग में पहले ये चीज़ डाल दे कि भाई अगर आप मतलब 24 घंटे का टाइम है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका ऑफर चले जाएगा, आप मायंत्रा में लिस्ट नहीं हो पाओगे, ऐसा वैसा ये वो, इन सब चक्करों में फंसना नहीं बिल्कुल भी। ठीक, अब उन्होंने, मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास सब कुछ रेडी है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप जो भी बोलोगे मैं 24 आवर्स में मैं वो चीज़ कर दूंगी। ठीक है, अब उन्होंने मेल मुझे भेजा, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या मेल आया था उनका, ग्रीटिंग फ्रॉम द मायंत्रा एंड फलाना ढिमका एंड ऐसा, आपको ये डेटा फिल करके देना, आपका ब्रांड लिखना है, आपकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जीएसटी वीएसटी देना है, जो भी देना है ये सब मांगेंगे वो शुरुआत में, ऐसा दिखावा करेंगे। और फिर मैंने, मुझे तो मतलब ये अनुभव पहले भी था तो इसलिए मैंने उस बंदी से जानबूझ के पूछा कि मैंने बोला मायंत्रा अच्छा फीस कितनी लेता है, तो उसने बोला अरे रे रे नहीं मायंत्रा ऐसी कोई फीस लेता नहीं है, आप भी किसी को पे मत करना, बट उसकी कोई चार्जेस होते हैं जो रिफंडेबल होते हैं, वो सेलर्स को रिफंड हो जाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ओके, मेरा ठीक है। और वो जैसे ही मैं फ़ोन रखने लगी तो वो मुझे हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई थी पीछे, दो लोग की हंसी मतलब लड़कियों की, तो मैं सस्पिशियस तो हो ही गई थी। फिर मेल आया मुझे, मेल में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भर के डाली, मैंने बोला देखो आखिर होता क्या है आगे। तो पहले तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ चलिए हो गया है आपका, आप आगे प्रोसेस करते ऐसा ऐसा करके, एंड दो तीन मेल्स की ट्रेल के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा। उससे पहले ही मेरे एक जानकार है जो मायंत्रा में काम करते हैं और उनका काम यही, मायंत्रा के लिए काम करते हैं, सॉरी मतलब उनका, उनकी अंदर में जान पहचान है मायंत्रा में, तो मैंने उनको व्हाट्सअप किया कि देखिए मुझे ऐसा ऐसा मेल आया है, ऐसा ऐसा कॉल आया है और जो ये लिंक दे रहे हैं वो तो सीधे सीरियसली वो सही जगह पे जा रहा है, मायंत्रा का जो पार्टनर पोर्टल है वहीं पे जा रहा है। उन्होंने भी चेक किया, वो बोले अरे ये तो बिल्कुल सही जगह जा रहा है, ये कैसे हो गया। फिर जो मुझे मेल आ रहा था उसका जो एक्सटेंशन था वो था myantraseller.com, तो वो तो गलत है। मायंत्रा का जो भी मेल आएगा वो आएगा myantra.com से, myantraseller.com, myantra.outlook.com, myantraseller.outlook.com, myantraseller.com, myantra.gmail.com, ऐसा कोई भी मेल आए तो आप उसको सीरियसली ना लें, ये सारे फ्रॉड लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे, तैयार बैठे हैं आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए। ठीक, अब मैंने अपने जो जानकार हैं उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि देखिए अरे ये तो myantraseller.com से आया है और ये फ्रॉड लोग हैं, इनसे आप करिए नहीं कुछ भी। तो तब तक का उनका मेल आ चुका था मुझे पैसे के लिए, तो उन्होंने मुझसे कितना मनी मांगा था, अराउंड एक बार पहले तो हुआ था तो उन्होंने 35,000 कुछ मांगा था, और अभी इस वाले ये कोई और लोग थे, वो लोग myantraoutlook.com समथिंग लाइक दैट, ऐसा मैंने वो तभी भी देखा, मैंने लगा करते क्या है, चलो देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि करना तो था नहीं मुझे ट्रांसफ़र, क्योंकि मुझे तो ये जानकारी है।
फिर मैंने उसको मायंत्रा, उन्होंने मुझसे मांगे थे 15,500। आई शेयर द स्क्रीन शॉट हियर यहाँ पे उस मेल का, कि जहाँ पे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं। ठीक, तो अब जो मेरे जो जान पह जानकार जो मेरे जो मित्र थे, उन्होंने कांटेक्ट किया मायंत्रा में, एक्चुअल एक्चुअल मायंत्रा डिपार्टमेंट जो इसके लिए ऑनबोर्डिंग कराता है सेलर्स की। तो उनको बताया कि देखिए ऐसे ऐसे फ्रॉड कंपनी है और पैसा मांग रही है। तो उन्होंने फिर बोला कि आप वो जो मेल ट्रेल है, पूरा का पूरा मेल है, वो हमको फॉरवर्ड करिए, तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे और पुलिस या कार्रवाई होगी। और जो हम हमारी तरफ से अभी तक हमने कुछ कंपनीज को बंद करवाया है, क्योंकि ये जो इस तरह के काम कर रही थी, फ्रॉड कर रही थी सेलर्स के साथ में। तो मैंने वही किया, मैंने उनको मायंत्रा में डायरेक्ट भेज दिया वो सारे जो मेल्स थे, ताकि उनको पास पूरी जानकारी हो जाए, उनके फ़ोन नंबर और उनका जो मेल्स थे सारा वो भेज दिया। तो अब मुझे मायंत्रा वालों ने बोला कि देखिए आप किसी भी जी मेल किसी भी और इसको विश्वास नहीं करना, जो भी अगर आपको आएगा जो इनविटेशन आएगा या एक्सेप्ट ऑफर आएगा या जो भी आएगा, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा myntra.com। इसके अलावा किस चीज़ पे आपको यकीन नहीं करना है। ऐसा ही करके अगर आपको अजियो का और नायका का और बहुत सारे पोर्टल्स है उसका अगर आपको आता है, तो प्लीज़ विश्वास मत कीजिए और किसी तरह का ऐसा पैसा उनको ट्रांसफ़र कीजिए मत, क्योंकि ये जो पोर्टल्स हैं वो ऐसा कोई चार्ज लेते नहीं हैं, चाहे नायका भी नहीं लेता है, अजियो भी नहीं लेता है। बस उनका मेन रिक्वायरमेंट ये होता है कि भाई जो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। उनका मेन कंसर्न होता है कि आप उनके जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए आपके पास में सारी प्रोसेसेस रेडी है या नहीं, आपके पास सारा सिस्टम रेडी है या नहीं, आपके पास बारकोड स्कैनर है, आपके पास में बारकोड प्रिंटर है। ये जो होती है मेन, आपका जो पैकेजिंग अच्छा है, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्वालिटी वाले हैं, चीप क्वालिटी के नहीं है, या आप किसी आपका ब्रांड ऑथराइज्ड है, तो ये सारी चीज़ों पे वो लोग ध्यान देते हैं, ना कि वो पैसे लेने पे ध्यान देते हैं। तो मेरी ये राय है कि मतलब आपके किसी भी इस तरह के पैसे को ट्रांजेक्शन में ना करें, और इन फ्रॉड लोगों से दूर रहें और अपने बेसिक काम पे ध्यान देते रहें बस, कि क्वालिटी पे हमें काम करना है और हमें अपना सिस्टम डेवलप करते रहना है। तो ये मेरी इसकी जानकारी थी। आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह के वीडियोस लाती रहूं और आपके साथ जानकारी शेयर करती रहूं कि किस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट आती है और क्या क्या। एक्चुअली मैं 2013 से ये काम कर रही हूँ, तो मुझे जो बहुत काफ़ी परेशानी आई, मैंने मतलब चालू किया था तो वैट था, फिर उसके बाद में GST आया और उसके बाद में नोटबंदी हुई, तो काफ़ी फेजेस मैंने इसके देखे बिजनेस के। तो मुझे थोड़ा बहुत जो नॉलेज है कि मतलब क्या क्या परेशानियां आती हैं आम सेलर्स को, तो मैं कोशिश करूंगी कि उस पर आपको वीडियोस देती रहूँ या जानकारी। और अगर आपको कोई इस बारे में क्वेश्चन है या जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जानकारी के हिसाब से या अपने उसका सही आंसर उत्तर दे सकूं। तो ये मेरा आज का वीडियो था, आपको अगर ठीक लगता है तो आप इसको फॉलो कीजिए, या फिर आप गलत लोगों को ट्रांजेक्शन कर दीजिए, पर मैं नहीं चाहूंगी कि आप ऐसा कुछ करें कि ट्रांजेक्शन इस तरह से आपका पैसा बेवजह उड़े। तो चलिए मिलके काम करते हैं और इन फ्रॉड लोगों को अच्छा सबक सिखाते हैं। थैंक यू सो मच।